पढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड किया गया है। शहर सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था इस पूरे मामले में और इसके बाद अभी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड किया गया है, शहर सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड किया गया है। एनटीए ने वेबसाइट पर अपना रिजल्ट अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस रिजल्ट को अपलोड किया गया है। आपको बता दें, नीट यूजी के मामले पर यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। नीट यूजी का रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया था वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड किया जाए और इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब रिजल्ट अपलोड किया गया है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? नीट यूजी का रिजल्ट अब वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पे एनटीए को निर्देश दिया था कि आज शाम 5 बजे से पहले अपने वेबसाइट पे वो नीट यूजी का रिजल्ट वो जारी करे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए नीट रिजल्ट को लेकर के तमाम विवाद सामने आ रहे हैं। तो जज की तरफ से ये आदेश दिया गया था एनटीए को कि आप स्टूडेंट का पहचान छिपाते हुए आप रिजल्ट जारी करें और हर एक राज्य स्तर पे और हर एक केंद्र स्तर पे आप रिजल्ट जारी करेंगे, जिससे कि बच्चों को आसानी होगा और जो जांच प्रक्रिया चल रही है, चाहे सीबीआई के माध्यम से जो जांच प्रक्रिया पूरे देश में चलाई जा रही है नीट पेपर लीक को लेकर के, उसमें सीबीआई को भी काफी मदद मिलेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार नीट पेपर को रद्द करने की मांग चल रही है, लगातार स्टूडेंट सड़कों पे प्रदर्शन हुए नजर आ रहे हैं, वहीं राजनीति दल भी इसको लेकर के और विवाद खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से सजग हो चुकी है। जिस तरह से 2 दिन की सुनवाई हुई थी इससे पहले, जो 18 तारीख को सुनवाई हुई थी, उससे पहले भी नीट मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो सवाल रखा था, क्या नीट एग्जाम को रद्द करना अंतिम उपाय होगा, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे हुए थे और 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। तो अब देखना ये होगा कि यदि फिर सोमवार को नीट मामले में सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि सोमवार का दिन काफी अहम रह जाता है और नीट मामले को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, जो एग्जाम को रद्द करने के लिए मांग चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोमवार। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी, जिसके बाद अब ये आदेश दिया।